बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत सारे लोगों के अकाउंट होगा। पीएसपी अकाउंट के बारे में जिसको नहीं पता, पीएसपी अकाउंट क्या होता है, और बेसिकली मेनली पुलिस वालों के लिए पुलिस सैलरी पैकेज होता है, और क्या क्या बेनिफिट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसमें बताया हूँ एसबीआई और इसके कंपेयर में और बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या क्या बेनिफिट आपको है कि आपका अगर अकाउंट होता है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे कमेंट आ रहे थे उस पर कि मुझे नहीं पता इसके बारे में क्या बेनिफिट है ये, तो मैं सोचा सेकेंड पार्ट बना दूँ कि इसमें और क्या क्या बेनिफिट आपको मिलता है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, कितने लोग अपना जाके सेविंग अकाउंट में ही अपना सैलरी लेते रहते हैं, तो आप पीएसपी अकाउंट में लेने से क्या क्या बेनिफिट है, तो उस वीडियो को आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जरूर देखिएगा। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आपके घर में कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट में होगा तो उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको वो चीज़ें पता चल सके। अब दूसरे बात करते हैं इसमें लोन के बारे में कि अगर आप पीएसपी अकाउंट है आपका बैंक में, आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं जो कि आपको जरूरत पड़ती है, मैंने खुद लिया है तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मैं खुद लिया था 1 लाख के आसपास लोन, तो उसमें क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ती है, कैसी चीज़ें होती है, तो वो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ठीक है। तो आप बता दीजिए, अगर आपको, मैंने एसबीआई से भी लोन लिया था पर्सनल लोन एक बार, तो अगर आपको उसके बारे में भी जानना है तो आप एसबीआई कमेंट कर दीजिएगा, एसबीआई के बारे में बता दीजिए तो मैं उसके बारे में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। कि पीएसपी अकाउंट जो बैंक ऑफ बड़ौदा में, उसमें आपको कितना पर्सनल लोन मिल सकता है, देखिए मैक्सिमम आपके 20 लाख तक मिल सकता है, आपके सैलरी के हिसाब से डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 20 लाख तक मिल सकता है। और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लोटिंग। जो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है आपका 11.5 के आसपास चल रहा है, फ्लोटिंग में आपका जो होता है जैसे 11.5 से 12 के बीच में आपका बढ़ता घटता रहेगा आरबीआई के रेगुलेशन के हिसाब से, और फिक्स्ड में आपका 1-2 साल तक के लिए फिक्स हो जाता है। अगर मान लो 11 चल रहा है तो 11 फिक्स होगा, फ्लोटिंग आप कभी भी बंद करा सकते हो, लेकिन फिक्स्ड का कुछ नियम होता है, उससे पहले आप नहीं बंद करा सकते, ये चीज़ होता है। अब जो ये आपका पर्सनल लोन होता है, ये कितने साल तक मैक्सिमम ले सकते हो, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है 3 साल तक ही होता है वैलिडिटी, 5 साल तक, 7 साल तक, 10 साल तक। तो ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका पीएसपी अकाउंट में पर्सनल लोन जो आता है, आप टोटल 7 साल तक ले सकते हो, 7 साल के अंदर ही आपको जमा करना होता है, या 7 साल तक आपको मैक्सिमम लिमिट मिलता है। इसमें आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, सिविल स्कोर कम से कम आपका 7 से ऊपर होना चाहिए, 7 है 7.5 है 8 है, मतलब जितना अच्छा सिविल स्कोर हो तो आपके लोन के मिलने के चांसेस उतने अच्छे रहते हैं, ये प्लस पॉइंट होता है। अब इसमें डॉक्यूमेंट की क्या क्या जरूरत पड़ती है जब आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो, ऐप से भी हो जाता है और आप बैंक में भी जाकर कर सकते हो। तो फॉर्म 35 होता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म 35 होता है, आधार पैन तो लगा ही रहता है आपके बैंक अकाउंट में, सैलरी 3 मंथ का सैलरी स्लिप चाहिए और 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो कि आपको बैंक से ही मिल जाता है, फॉर्म 16 चाहिए होता है, और करंट आपकी कहाँ पोस्टिंग है, थाने में है, ऑफिस में है, किस जिले में है, किस पद पे है, ये सब चीज़ें उसमें डिटेल में पीओनो नंबर के साथ डिटेल में देना पड़ता है कि आप करेंटली आप कहाँ पोस्टिंग है, ये सब चीज़ें आप देते हो। उसके साथ साथ आप 2 पासपोर्ट साइज फोटो देते हो तो आपका चीज़ें प्रोसेसिंग में चला जाता है। प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा फीस नहीं लगता है, प्रोसेसिंग में आपको 500 से 600 के आसपास फीस लगता है, ठीक है, वो मैनुअल मिनिमम फीस होता है, उतना 400-500 के आसपास आपको फीस देना पड़ता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है आपके सिक्योरिटी के लेकर कोई चार्जेस होता है, देखिए सिक्योरिटी के लेकर कोई चार्जेस नहीं है इसमें, कुछ भी हिडन चार्जेस नहीं होता है, जो आप लोगे उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको चुकाना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने एसबीआई में भी ले रखा है, अगर एसबीआई के बारे में किसी को जानना हो कि योनो ऐप से कैसे आप अप्लाई करते हो तो मैं उसके बारे में बता दूंगा। मैंने इसे पहले वाला वीडियो डाला हुआ है, पीएसपी पुलिस सैलरी पैकेज का बेनिफिट क्या है वो भी जाके देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आपको बता दूंगा जो बीओबी वर्ल्ड ऐप होता है, इसमें मैं चाहता हूँ जितने पुलिस भाई बंधु है उनको ये चीज़ पता चले कि क्या क्या बेनिफिट होता है, और जो बीओबी बैंक अकाउंट वर्ल्ड होता है इनका, जो बीओबी वर्ल्ड करके ऐप आता है उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है और क्या क्या चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट एक दो वीडियो उस पर भी ला दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि लोगों को पता चल सके इसके बारे में, बहुत कम लोग बताते हैं, इसलिए आपको अपने हक के बारे में जानना जरूरी है और क्या क्या बेनिफिट मिलता है आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं किसी वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।